क्या नाम भाई आपका? जी मोहम्मद रुस्तम। मोहम्मद रुस्तम। भाई मोहम्मद रुस्तम से पूछते हैं, बीएसएनएल की सर्विस कैसी है? पूरे घटिया सिम नहीं चल रहे जी सर, बीएसएनएल के। भाई साहब ने अपना सिम वोडाफोन का है, कौन सा था पहला? कल मेरा एयरटेल का सिम था, तो उसको मैं पोर्ट करवाया बीएसएनएल में। कल भी करवाया, 10 मिनट भी नेटवर्क नहीं रहते। ये भाई साहब बता रहे रुस्तम भाई कि हमारा पहले सिम जो था एयरटेल में था, वहाँ खूब बढ़िया चलता था एयरटेल में, तो हमने किया बीएसएनएल। आपको सलाह कैसे दी बीएसएनएल करवाने की? ये तो मेरे मन की बात है, मैं सोचा बीएसएनएल में वो रिचार्ज थोड़ा सस्ती हो गया, एयरटेल में ज्यादा महंगा हो गया, इसके वजह से हमने करवाया। इसने बेचारे ने सोचा कि उसमें एयरटेल में ज्यादा महंगे रिचार्ज हो गए, बीएसएनएल में कम है, इसलिए इसने बीएसएनएल में करवाया। तो बीएसएनएल में बिल्कुल भी रेंज नहीं आ रही, परेशान है। तो इस भाई पूछते हैं, क्या नाम आपका? मोहम्मद। मोहम्मद रुस्तम, बीएसएनएल में कैसे सर्विस है? बिल्कुल घटिया है। बिल्कुल घटिया सर्विस है। कितने दिन जाती है? बिल्कुल ना आते यार भाई, चलाने के पसंद भी ना है। बताओ बिल्कुल निकाले सिम, बताओ सिम। आपका नाम क्या है? आपका सिम कौन सा है? वोडा का। और आपका? बीएसएनएल का है। तो बीएसएनएल कैसे सर्विस है? एकदम बेकार है। बेकार सर्विस है। कितने दिन जाती है? एक दिन भी नहीं चला है। नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। सभी भाई परेशान है बीएसएनएल से। सभी भाई ये कह रहे हैं कि बीएसएनएल से हम परेशान है, और हमने अपने सिम को पोर्ट करवाया बीएसएनएल में, और बीएसएनएल में बिल्कुल भी रेंज नहीं आ रहा। एक नंडा जाता है, फिर आ जाता है, फिर भाग जाता है, यही दिक्कत है। तो इसलिए बीएसएनएल सर्विस को सर आगे जाके बढ़े के जाए, तभी जाके बीएसएनएल पोर्ट सिम पोर्ट करवाएंगे।